242 अंग ते गौड़ी राग दे छंत प्रारंभ हो रहे ने। सो पहला शब्द होंदे ने दो पदे ते पदे चौ पदे पंच पदा इसे प्रकार अष्टपदियां हुण छंत प्रारंभ कीते। छंत जस रूप बाणी छंत दियां छे पौड़ियां घट्टो घट होनियां चाहीदियां। बाकी सतगुरु की सुतंत्रता है भावें सतगुरु चार पांच छे सत अठ संत विच कई बार तेई तेई पौड़ियां भी आ जांदियां बहुत वड्डा संत भी हुंदा। गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे ने एक ओ अंकार जो केवल एक एक है सत नाम। दुनिया के अंदर तिन्ना लोकां विच केवल एक ओ अंकार बारे जिक्र है आज सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच करता पुरख। जो सारी सृष्टि का करता है पुरख तो भाव पूर्ण व्यापक है। जो करता पुरख अकाल पुरख सत पुरख सो पुरख के नावां नाल पुकारिया जाता। जिमें जिमें उन्हां दी किरिया हुंदी उवें उन्हां दा नाम पैंदा। गुर प्रसाद गुरां दी प्रसाद जदों हुंदी है किरपा जदों सिख ते गुरु नानक साहब की कृपा हुंदी है गुरु ग्रंथ साहब की मेहर हुंदी है तां उहनूं एक ओंकार सतनाम की प्राप्ति हुंदी। राग गौड़ी पूर्वी जाति है गौड़ी राग है छंत उच्चारण कीता महला पहला पहले पातशाह ने। गुरु साहब इस छंत विच तीन सखियां दे संवाद द्वारा उपदेश करते ने। सखियां या सहेलियां सहेलियां टैंपरेरी तौर ते हुंदियां सखियां जी बहुतियां आपस विच गूढ़े संबंध होण एक दूजे बिना रह ना सकण। उन्हां विच कैसे ने एक उत्तम सखी ब्रह्म ज्ञानी दूजी उत्तम सखी है मध्यम उत्तम मध्यम विच आ जांदी। उत्तम सखी ब्रह्म ज्ञानी उत्तम मध्यम है जो चंगी बिरती वाला जग्यासू हुंदा। तीजी कनिष्ठ सखी है जो इच्छा तो करती है प्राप्ति की पर तर्कबाज बहुत है। परमेश्वर रूपति की जिसनू प्राप्ति हुई है वह उत्तम सखी हुंदी है। अते जो साधन संपन्न हो जाए सुनिया मनिया मन कीता भाव की अवस्था वाला ते ब्रह्म ज्ञान विच बस नेड़े ही होवे पहुंचन वाला वह सखी उत्तम मध्यम कहाउंदी है। जिस विच बिल्कुल ही कोई साधन भी ना होवे दिखावा ज्यादा होवे प्राप्ति दी इच्छा तो होवे पर मन दे अंदर श्रद्धा पूर्ण ना होवे उहनू कनिष्ठ कहिंदे ने। हुण उत्तम अते मध्यम उत्तम मध्यम सखी कनिष्ठ नूं नाल लिया के उत्तम सखी ब्रह्म ज्ञानी दे कोल जिवें बेनती करदी है वह सारा प्रसंग गुरु नानक साहब ने शब्द दे रूप विच उच्चारण कीता है। एक तां उह जग्यासू जिहड़ा नेड़े ही है बस पहुंचण दे पंजवीं छेवीं भूमिका च गया होया सत भूमिका ब्रह्म ज्ञान दीआं हुंदीआं ने। एक उह है जिहड़ा सुन सुन के शरदा जी तां होई आ पर पूर्ण श्रद्धा नहीं है। वह हरेक गल ते तर्क करता है ये किवें हो सकता ओ किवें हो सकता। उत्तम मध्यम जिहड़ा जग्यासू पंजवीं भूमिका चौथी छेवीं आला वह कनिष्ठ नूं अपने नाल लैके ब्रह्म ज्ञानी कोल तसली कराउण लैके आया। तिन्ने बैठ के संवाद करदे ते गुरु नानक साहब उस संवाद नूं लिखदे ने। इत्थे मुंद रैण दुहेलड़िया जीओ नींद ना आवै कहिंदे हे महापुरखो ये जो कनिष्ठ मुंद इस्त्री है मुंद तो भाव इस्त्री। मुंद इस्त्री का मतलब हुंदा अग्ञात जोबन बाला। इहदा मतलब हुंदा है कि प्राप्ति का शौक तो है पर चज नहीं है। ये जो मुंद इस्त्री आज के पास बैठी है इहदी प्रतख जां अवस्था रूपी रात बहुत ही दुख विच बतीत हो रही है क्योंकि इहनू प्रतख नींद जां शांति रूपी नींद नहीं आउंदी। सा धन दुबलिया जीओ पिरकै हावै ब्रह्म ज्ञानी नूं कहिंदे ने जिहड़े उत्तम मध्यम जग्यासू है नेड़े तेड़े ब्रह्म ज्ञान दे पहुंच चुकिया है। सा ये जो धन इस्त्री कनिष्ठा बैठी है इहदी शरदा ठीक ठीक जी है तन करके भी दुबलिया हुंदा कमजोर हो रही है अते मन करके भी कमजोर हो रही है। परमेश्वर की प्राप्ति ना प्राप्ति रूपी हावै तो भाव झोरे करके बहुत दुखी है।
मिलना चाहती है, शौक जहा भी अंदर परमात्मा का, पर चज नहीं। जदों एक माड़ा जहा कृपा होने लगती उन्हों होमे हो जाती। जो माड़ी जी कोई शरदा की गल करते हैं तो यह किवें हो सकता, उसे तर्क कर जाती है। ये जिहड़ी धन तो भाव स्त्री शुभ गुणा तो रहत होण करके क्रिस हो रही, कमजोर हो रही है, तो परमात्मा की ना प्राप्ति रूप झोरे करके इनू शांति रूपी नींद या अवस्था रूपी नींद की प्राप्ति नहीं होंगी। इसलिए आप कृपा करो जिस करके इनू परमात्मा की पति परमात्मा की प्राप्ति होवे, क्योंकि जीव रूप स्त्री उत्ते शब्द उच्चारण किया। धन थी दुबल कंत हावै केव नैणी देखै। कंत पति परमात्मा की ना प्राप्ति रूपी हावै हुंदा झोरे झूरना, झोरे करके स्त्री कमजोर हो रही है। इस प्रकार नेत्रा नाल पति परमात्मा नूं देखना करे, किस प्रकार देखना करे, अते ओ नेत्र भी केड़े ने जिन्हां नाल परमात्मा नूं देखे, वह भी कृपा करके दस दिओ। सो इस प्रकार दे नाल ए आसा जो आसा है पहली तुक दा हुंदा है निशाना। सो उन्हों जिहड़ी दूजी तुक विच फिर कथन करना, इन्हों सिंघा अवलोकन छंद की चाल कहिंदे ने। सिंघा अवलोकन छंद, सिंघा अवलोकन छंद की हुंदा, जिवें शेर पहले मार के फिर पिछे हट के देखदा। गुरु साहिबां ने सारिया छंतां की चाल इसे तरह ही कथन की है। जिवें आपां पढ़दे जाप साहिब च भुजंग प्रियात छंद, भुजंग हुंदा सप, सप की चाल वाला छंद। सप खब्बे सज्जे, खब्बे सज्जे जो तुरदे देखो सप नूं किवें रेंगदा जांदा हुंदा, इसे तरह ही भुजंग प्रियात छंद हुंदा। नमो सर्ब माने समस्ते निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, ये सप की चाल वांगू छंद जांदा। एक मध भार हुंदा छंद, मध भार हुंदा विचकार जे भार होना, उधर उन्ने ही अखर उधर ने, उन्ने ही अखर उधर ने, मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम, इदा बराबर बराबर अखर जाने ने। इन्हां चीजां दी लोड़ आपां नूं ज्ञान विच पैंदी है, ताकि कल नूं आपां वी कदे गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करना होवे, आपां नूं पता होना चाहीदा कि की कित्थे लिखिया ते इहदा मतलब की हुंदा। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने कि किस प्रकार नेत्रा नाल अपने पति परमात्मा नूं देखना करे, वह नेत्र भी केड़े ने जिन्हां नाल देखना करे। सिंगार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ कितै ना लेखै। हे महापुरखो, मैं इस गल नूं इउं कहिंदी आं कि पति तो बिना जपता पुरूपी शिंगार करने, मिठे बचन बोलने, प्रेम दीआं गल्लां करनीआं ते चीजां नूं भोग लगाउणे आदिक, भोजन हुंदा ज्ञान दीआं गल्लां करनीआं, भोजन पका के छकाउणे, दान पुन करने, सब झूठे ने, क्योंकि पति परमात्मा तो बिना यह कर्म किसी लेखे विच नहीं पैंदे। जदों तक उहदी प्राप्ति नहीं हुंदी उदों तक साडे बाहरले साधन जिहड़े ने उह कीते होए निष्फल चले जांदे ने। मैं मत जोबन गर्भ गाली दुधा थणी ना आवै। ए संत जी, जोबन अवस्था रूपी जिहड़ी मैं तो अर्थ हुंदा शराब, शराब की मत मस्ती अते गरीब, गर्भ हुंदा भाव निम्रता गरीब। सो जिहड़ी हुंदी आ उहनूं छड्ड के गर्भ हुंदा हंकार, ते हंकार ने इहनूं गाल दित्ता। कहण तो भाव के जिहड़ी जवानी रूपी अवस्था सी, इह मानो इहने मस्ती की एक शराब पीती, किसी की गल ही ना जदों सुने। मैं इहनूं बहुत समझाउंदा कि तू जोबन का माण ना कर, जवानी का माण ना कर, जोबन नूं व्यर्थ ना गुआ, क्योंकि मुड़ के इस जोबन ने मिलना नहीं। जिस तरह एक वेर जो आपां दुध चो लैने, दुध चोया होया फिर वापस नहीं जाता उत्थे, जे आपां कहीए कि उत्थे दुध वापस चलिया जाए आसणां दे विच, मुड़ के नहीं जाता गऊ मझ का दुध। इसे तरह उत्तम मध्यम सखी की कही हुई बेनती सुन के हुण उत्तम महात्मा रूपी सखी उत्तर दिंदी है। नानक सा धन मिलै मिलाई, बिन पिर नींद न आवै। हे उत्तम मध्यम सखी, सा तो भावे कनिष्ठ स्त्री गुरां दी मिलाई हुई परमात्मा रूपी पति नाल मिल सकती है, जिन्हों पति परमात्मा तो बिना प्रतख जां शांति रूपी निंद्रा नहीं आउंदी। मुंद निमाननिया जियो बिन तनी प्यारे। फिर उत्तम मध्यम सखी जिहड़ी है ब्रह्म ज्ञान दे नेड़े पहुंची हुई है, वह कहिंदी हे महापुरखो ब्रह्म ज्ञानी गुरमुखो प्यारो, प्यारे धनी परमात्मा तो बिना यह मुंद स्त्री निमाणी हो रही है, क्योंकि औरत दा माण पति करके ही हुंदा। पति तो बिना औरत दा कोई माण नहीं हुंदा। ये जीव रूप स्त्री दा माण जिहड़ा पति परमात्मा ही है।
गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ते आपां नूं जिवें माण है, सो जिवें अकाल पुरख दे उत्ते आपां नूं सारिआं नूं माण है, जिवें दसवें पातशाह दे उत्ते सारिआं नूं माण है कि साडा पिता हो। जे साडे पिता वल कोई उंगल चकदा, कोई बोलदा, कोई कुछ करदा, वो आपां देखिए भी की हाल हुंदा उहदा। फिर इस करके भावें भी महसूस हो रहा सी बड़े चिर तो भई हुण काफी थले चले गए हैं काफी, पर फिर भी अपने पिता दे उत्ते पंथ हाथ नहीं होण दिंदा। किसी ने भी जदों कुछ भी बोल दिता सारा पंथ इक्को दम सारे संसार दे विच उठ के खड़ा हो गया। किहड़ा ओए जिहड़ा साडे प्यो वल देख सके बोल सके। दुनिया नूं पता लग गया भी इह दसवें पातशाह दे विरुद्ध, दसां गुरां दे विरुद्ध, गुरु ग्रंथ साहिब दे विरुद्ध नहीं बोलना बई। खालसा बैठा की हो गया जे बब्बर शेर सौ गया सी तां की हो गया, माड़ी जी गल होई तो उठ के शेर ने जदों भबक मारी तां सारे ही दब गए उस वक्त। सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहने सानू अपने प्यो ते माण है। सो ज्यों बारक पिता उपर करे बहु माण, बुलाया बोलै गुर कै भाण। इउं जग्यासू नूं माण हुंदा गुरु साहिब जी ते। और महाराज सच्चे पातशाह भी कहने हर जीओ निमाणिया तू माण, नचीजिया चीज करे मेरा गोबिंद तेरी कुदरत कौ कुरबान। जैसा बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावै, कर उपदेश झिड़के बहु भांति बौड़ पिता गल लावै, पिछले औगण बख्शले प्रभागै मार्ग पावै। क्यों सुख पावैगी बिन उर धारे। हे महात्मा जी मैं इहनू इह भी आखदी हां कि तू हिरदे विच परमात्मा दे नाम नूं धारे तो बिना किवें सुख पावेंगी। वह जिहड़ी तीजे नंबर की जग्यासू है ना वह आपां आ जिहड़ा डोलदा। गुरु ग्रंथ साहिब पूर्ण पुरख अकाल पुरख सत पुरख वाहिगुरू आप ते आपां नूं गुरबाणी दे राहीं सतगुरु समझा रहे ने उत्तम हो करके। आपां उह चीज़ नूं समझना, सतगुरु कहिंदे जदों तक तुसीं मन दे अंदर नहीं वसाउंदे नाम नूं, जदों तक मन दे अंदर तुसीं गुरु दी सिक्ख्या नूं नहीं वसाउंदे उदों तक तुसीं डावांडोल ही रहना, स्थिति इही जी रहनी है। नाह बिन घर वास नाही पुछो सखी सहेलियां। नाह हुंदा पति, पति परमात्मा की कृपा तो बिना सत्संग घर विच वासा नहीं हुंदा। पहलां उहदी कृपा हुंदी तां सत्संगत मिलदी है। सत्संग घर तो बिना पति परमात्मा का नाम नहीं मिलता, नाम तो बिना अंतरमुखता रूपी घर विच वासा नहीं हुंदा, अंदर नूं बिरती वापस नहीं आउंदी। अंतरमुखता तो बिना पति परमात्मा का ज्ञान नहीं हुंदा, ज्ञान तो बिना सरूप घर विच वासा नहीं हुंदा, सरूप घर विच वसे तो बिना पति परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुंदी। हे सखी जे मैं झूठ बोलदी होवां तां तूं इस सहेली महात्मा रूपी सखी तो अथवा गुरु ग्रंथ साहिब तो पुछ ल जे मैं तेनू झूठ बोलना। रब की कृपा नाल सतसंगत मिलती है, सतसंगत तो बिना पति परमात्मा नहीं मिलता, अंतरमुखता बिरती नहीं हुंदी, ज्ञान गुरु तो बिना हो नहीं सकता। सरूप का ज्ञान, रूप का ज्ञान तो आपां नूं जिहड़ा बाहरला है अपना शरीर रूप है अपना। सो सरूप का ज्ञान महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे अंदर अपना सरूप जिहड़ा उहनूं देखना। असल आपां की कहने कि ब्रह्म ज्ञानी फलाना ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी उदों बनता जदों सरूप का ज्ञान हुंदा अंदरों। सरूप के ज्ञान तक पहुंचने लई अभ्यास है, मेहनत है, सत्संगत है, वध तों वध बाणी पढ़न का अभ्यास करना। बिन नाम प्रीत प्यार नाही बस है साच सुहेली आ। फिर मैं इस तरह भी कहनी है कि नाम विच प्रीति कीते तो बिना परमेश्वर पति लई जिहड़ा अंदर हिरदे च प्यार है ना वह प्यार नहीं हुंदा। ते जे सच विच वसे तां सुहेलिया तो भाव सुखी होवेगी। हे सखीए सच दे विच वस, सच दे विच वस। जिथे सतगुरु दा हुण उपदेश चल रहा है बहुत उच्ची उडारी है। कई बार बड़ा रौचक जिहा सुंदर उपदेश हुंदा अज क्योंकि बड़ी उत्तम जग्यासू दा उपदेश हो रहा। सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सहु जाणिआ। हुण उत्तम महात्मा रूपी सखी कथन करदी है ब्रह्म ज्ञानी जाथवा कह लो गुरु साहब कहिंदे ने, कहिंदे जिने गुरमती लई पहलां गुरसिख्या द्वारे सच नाम नूं मन मन्नण कीता है, गुरु की सिख्या लैके सच्चे नाम का मन्नण कीता, पहलां तां आपां नूं इही नहीं पता कि वाहिगुरु मंत्र है कि मूल मंत्र की चीज़ है। जे इहदा ज्ञान हो जाए आपां नूं गुरमत लैके
नाम की चीज है तो नाम नू फिर मनन दा मन मनता है। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए, कहिंदे उहदा संतोख आदिक शुभ गुणा नाल फिर मिलाप होया। जदों नाम आ गया तो फिर संतोख हो गया। जिहदा शुभ गुणा नाल मिलाप होया उहने पति परमात्मा नू जाणिया। नानक नाम ना छोड़ै सा तन नाम सहज समाणिया। धन गुरु नानक देव जी कथन करते ने उत्तम सखी की कहती है, ये जो धन है इसत्री, ये जीव इसत्री बैठी है, इस नू चाहिदा कि परमेश्वर दे नाम नू ना छड़े, क्योंकि नाम करके सहज पद विच अभेदता हुंदी है। नाम करके आपां गां वधदे हां। नाम दी ताकत दा ज्ञान सिख पंथ नू 1% बंदियां नू सिर्फ अपने च, 1% नू हो जाए मैं ज्यादा ही कह रहा कुछ, 99% बंदियां नू नाम दा नहीं ज्ञान है। जे सिख कौम नू किते नाम दा ज्ञान हो जाए भी नाम की चीज है, बाकी हर प्रकार दा आपां नू ज्ञान है, नाम दी ताकत दा ज्ञान नहीं। नाम की चीज है, इहदे बारे बह के हमेशा आपां नू सोचना चाहीदा। परमेश्वर दा नाम सब तो वड्डा है। ते परमेश्वर ने ओंकार कह के सृष्टि बना दित्ती इक छिन विच। देखो ओंकार उहदा नाम है, एक ओंकार उहदा नाम है। नाम दे नाल परमेश्वर ने खंड ब्रह्मांड रच दित्ते ने, धरती बनाई, समुंदर नाम नाल बनिया। नाम की ताकत नू पहचानो। 84 लाख जून नाम की ताकत नाल बनी है। अपना जन्म नाम की ताकत नाल होया। माया नाम की ताकत नाल बनी है। जो कुछ आप खांदे पींदे पहरदे नाम करके बनिया। एक बंदे नू मैं कहा, हर का जिहड़ा नाम है औखद रूप है, दवाई रूप है। नाम औखद, सर्व रोग का औखद नाम। पढ़िया लिखिया बंदा सी, कथा तो बाद कहिंदा पटियाले, तुसी कहने हो कि नाम रूपी दवाई खाओ पे ठीक हो जांदा है। नाम दवाई किवें होया? मैं कहा सृष्टि दा सारी दी बणतर किने बनाई? कहिंदे परमात्मा ने। धरती दी बणतर परमात्मा ने बनाई। तां मैं कहा जिहड़ियां जड़ियां बूटियां जिन्नियां भी धरती ते हुंदियां ने, हिमालिया पर्वत दे उत्ते बहुतियां ज्यादा हुंदियां ने दवाइयां बूटियां, उत्थे तईयां जिहियां बूटियां पईयां, हले तक उन्हां दा आपां नूं ज्ञान नहीं। उहनां बूटियां नूं उस धरती ते पैदा किहने कीता? परमात्मा ने। नाम करके होईयां ना। नाम बीज रूप है, जिवें नाम दे विच्चों सारा कुछ पैदा होया। दुनिया विच आपां जे कद्दू दा बीज बीज दईए तां कद्दू दी वेल पैदा हुंदी है, अंब दी गुठली बीज दईए तां अंब पैदा हुंदा है। एक चीज दा एक बीज हुंदा दुनिया च, पर परमात्मा दा नाम सर्ब बीज है। परमात्मा दे एक नाम तो ही इन्ना कुछ बनिया जिन्ना कुछ आपां देख रहे अखां दे नाल। सो आपां नूं किसी भी चीज की हुण लोड़ है दुनिया च। परमात्मा ने ओंकार कहा तां सृष्टि विच माया की रचना होई, देवत्यां की रचना होई, पदार्थां की रचना होई, साड़ी होई, खाण पीण वाली चीजां की होई। जदों उहने एक बार ओंकार कह के इन्ना कुछ बनाया तां तुसीं जे एक ओंकार सतनाम करता पुरख का जाप करोगे कि तुहाडे घरे नहीं बनूगा कुछ? कि वाहिगुरु कहण नाल फिर तुहानूं उह नहीं मिलू जो तुसीं चाहुंदे हो? परमात्मा ने फुरना कीता, एको हम श्यामा बहु पर जा जाए, एक तो बहुते रूप हो जावा। परमात्मा ने जो फुरना कीता, मैं एक तो बहुते रूप हो जावा, उहदा भी तो फुरना ही सी। उहने की कीता? एक बचन कीता, ओंकार सृष्टि रचना होगी। प्रथमै ओंकार तिन कहा, जग 10वें पातशाह कहिंदे ने, प्रथमै ओंकार तिन कहा सो धुन पूर जगत मो रहा। ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल युग पय, ओंकार वेद निर्मय, सारा कुछ ओंकार तो होया। सो महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने जदों उहने उहदा भी फुरना सी कि दुनिया बने, मैं खेड खेडनी है दुनिया बना के, खेल 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 अनंत को फिर एक है। कहिंदा मैं खेड खेडनी आ, ते ओह खेड खेडण लई रब ने भी ओंकार ही कहा। जदों उहने ओंकार अखर कहा तां सारी सृष्टि बन गई, माया भी बन गई, आपां भी बन गए। जदों रब दा फुरना ओंकार कह के पूरा हो गया ते अपने फुरने क्यों नहीं पूरे होणगे? एक ओंकार दा जाप करके तुसीं क्यों नहीं मूल मंत्र करदे? वाहिगुरु मंत्र क्यों इन्ना वड्डा? वाहेगुरु मंत्र नू जपण लई सारे लोचदे ने, सानू मिलिया सी जपदे। तुहानू पता वेदां विच लिखिया होया वाहेगुरु मंत्र,
याज्ञवल्क मुन जड़ा मुनि होया ऋषि उन्हें अज तो लखां वरे पहला कह दिता सी कि कलयुग दे विच निरंकार ने आना आप उन्हें दस रूप धारने ने फिर वह ग्यारहवां स्वरूप मोनी होवेगा बोलेगा नहीं बुलाया ही बोलेगा। उस ऋषि ने दसिया कि कलयुग दे विच वाहेगुरु मंत्र होवेगा उदों मंत्र सी ओम नमो वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय सीगा फिर वासुदेव मंत्र तो बाद अखर आया हरि गोबिंद राम ये सारे अखर बारी बारी आए। सारे ऋषि मुनि कहिंदे जद तुहानू पता है कि वाहेगुरु मंत्र विच पावर बहुत होनी है तो कलयुग विच दिता जाना फिर तुसी दे दिओ सारिआं नूं। याज्ञवल्क मुनि मुखी कहण लग्या मुनि उस वक्त कहिंदा अधिकार नहीं है मेरा वाहेगुरु मंत्र मैं दे सकां वाहेगुरु मंत्र सिर्फ गुरु नानक साहब ही दे सकदे ने आके दुनिया ते ਇਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਧਰੂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ 36,000 ਵਰਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਭਗਤੀ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕਥਾ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਘਰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਆਪਣਾ ਚੋਰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ 25-30-50 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੰਗਰੂਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿਉਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਸੀ 12 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਮਿਲਦਾ 300 ਦਾ ਹੋਊ 350 ਦਾ ਹੋਊ ਇੱਕ ਸੈੱਟ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ DVD ਸੈੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਥਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ 3-3 ਘੰਟੇ ਕਥਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀੜੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਈਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ DVD ਦੇਤੀ DVD ਪਲੇਅਰ ਦੇਤਾ ਨਾਲ CDs ਦੇਤੀਆਂ ਉਹ ਅਗਲਾ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਸੀ ਕੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸੁਣਾਓ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ CDs ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 12 CDs ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ TV ਕੈਬਨਿਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਸਾਲ ਭਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ TV ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ TV ਲਾਉਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਲਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਇੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
सो इउं जिहड़ा भी कदे भी कोई सुन लग्या तो उन्हूं महाराज की कृपा हुई है। इस करके मेरी सारिया संगतां प्रति बेनती आ कि तुसी जिथे जिथे पंजाब च रहिंदे हो अपने रिश्तेदारां नूं कहो चतर सिंह जीवन सिंह तों जाके उत्थों सैट लैके आउण। हरेक घर च MP3 हुंदा ही आ ते कथा सुणो। आपां अपनी कोशिश जारी रखी हुई आ, थोड़े महाराज मेहर करे TV ते अपनी कथा थोड़े चिर नूं तुहानूं हर थां मिलेगी। और आपां कोशिश कर रहे हां, नाले SF6Center.org दे उत्ते फार्म हैगा जस पंजाबी TV दा, उह तुसी भर के भेजना भी। सारे ने पहलां भी बेनती कीती, TV दे राही, रेडियो दे राही, इंटरनेट राही प्रचार आपां करन दा जतन करदे आ। और कई कहिंदे तू कथा जिहड़ी आ उह विस्थार नाल नहीं करदा, पंक्तियां पढ़ी जांदा। हुण जिहड़े न्याणे ऊड़ा ऊड़ा सिखण वाले उहनूं मैं एमए दी किताब कित्थों ला दिआं पहलां ही। हाले तां पंक्ती सुण के ही हैरान हुंदा वी आह पंक्ती हुंदी है, छेदा इह मतलब हुंदा। हाले तां मैं ऊड़ा ऊड़ा ही भरा रहा सारिआं नूं, बहुत सौखे सौखे अर्थ ताईयों कर रहा ना, मैं बहुता विस्थार नहीं करता। जे आप विस्थार विच पैंदे फिर लड़ीवार कथा नूं टाइम बहुत लग जांदा है। सो इस करके बेनती है कि सारिआं नालों जिहड़ी गल है, सारे जणे कही जांदे ने वी उत्थे प्रचार की कमी है, अपना सारा दसवंध जिन्ना इकट्ठा करके हुण संगत उत्थे लावे। सो असीं वी हुण इत्थों बैठे उद्दम कर रहे हैं इस गल का कि पंजाब दे विच सिक्खी का प्रचार जिहड़ा वह तां हो सकदा जे घर घर दे विच आपां जा करके कथा दीआं सीढ़ियां ला के समझा दईए सारा कुछ। जदों कोई सुणन लग जांदा उहनूं उदों ही पता लगदा, सुणन तों पहलां ज्ञान नहीं हुंदा बंदे नूं। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह इसे करके आपां नूं कहिंदे नानक नाम ना छोड़ै साह धन नाम सहज समाणिया। मिल सखी सहेलड़ी हो हम पिर रावे हा, उत्तम मध्यम सखी कहिंदी आ सखी तू सहेलड़ी हो महात्मा रूपी सहेली नाल मिलके मैं भी मिलदी हां तू भी मिल, फिर आपां दोनों रल के तिन्न ही रल के वाहिगुरू वाहिगुरू करिए, क्योंकि तिन्नां नूं ज्यादा फायदा हुंदा आपां नूं। ब्रह्म ज्ञानी दे कोल बह के सिमरन करन दा होर ज्यादा फायदा। गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच संगत रूप विच बह के आपां पिछले ऐतवार सिमरन कीता सी, अज भी कई पुछदे वी सिमरन कराउणा। मैं कहा मैं तो एक बार दिखाउणा सी वी सिमरन दा आनंद आ ते आ रस है, जे संगत कहूगी करा देंगे। ये तो संगत की मर्जी उत्ते आ वी संगत की इच्छा करदी कि सानू की चाहीदा। गुर पुछ लिखाउंगे जियो शब्द सुनेहा, ये जो महात्मा रूपी सहेली गुरु रूप बनी बैठी है ना, इस दे पासों पुछ के मैं शब्द रूपी सुनेहा लिखांगी ते लिखण दी जात सिख लवी। ये गल सुन के महात्मा ने कहा तेरा कहना ठीक है, क्योंकि असल विच गुरु साहब ही महात्मा ने, गुरु साहब ही ब्रह्म ज्ञानी ने। पर ब्रह्म ज्ञानी जे बैठा होवे उह उस्ताद रूप हो जांदा। गुरु ग्रंथ साहिब दा नाम सतगुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, इस करके जिहड़ा सिखाउण वाला उहनूं गुरु भी कह दिंदे कई वार उस्ताद। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਦਿਖਾਇਆ ਮਨਮੁਖੀ ਪਛਤਾਣੀਆਂ। ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਥਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਥਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਖਿਆਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਹਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਨਾ।
कोशिश करनी आप वध तो वध जदों भी आप पंजाब जाना सारिया कोई जिन्हों मर्जी पूछो कहना सारिया मिल के आया फिर की हो गया रिश्तेदारों सारे मिलया मैं ये कहना भी तुम रिश्तेदारों तो मिल लो ठीक आ पर सारे गुरु घर जे पिंडा दे गुरु घर आ खासकर उन्हें जरूर जाया करो गुरु घर के हालात इसे करके माड़े कमेटियां को पैसा नहीं लोग मत्था ही नहीं टेकन जाते वह नकली गुरु जड़े बाहर ना कई एकड़ थां लैके एक लालजे रंग की कंध कढ़ने विचाले भावें शैड ही होवे देखने वाला कहना बल्ले बल्ले बड़ा वड्डा अड़ेरा बनया बई क्योंकि लोग जो प्रभावित होंगे कार तो लंबी कार है संतां कोले फिर लम्मे पए ने कार है लंबी कार तां की हो गया लंबी कार आप ट्रेन च बह जाने वो सब तो लंबी वो अगे मत्था टेकी जायो ऐ नहीं प्रभावित नहीं होता हों कार लंबी है तां की हो गया किसी को डेरा वड्डा तां की हो गया जे किसी को जब नाम ही नहीं है वो हिरदे च असी नहीं मिलते परे ही रहे साडे नाल तां असी उहदे नाल ही चंगे आ अपना आम संसारी आपां लोग हैं आप हमेशा बस यही चीज देखते हैं जे तो लिबास जहा पाया हुआ लिशकना जहा कढ़ाइया जी कीतियां हुई तो महापुरख ने जी तो जे बेचारे ने कोई सादे जे कपड़े पाए उन्हों कोई देखता ही नहीं पुछता ही नहीं कहते ये तो बेचारा उदा ही नहीं वो तुहानू की पता सादे कपड़िया च कौन कौन बैठा उरे संगत विच भी बहुत संगतां बैठिया चढ़दी कला वालियां अपनियां वो गुरमुख किसी नूं दसदे नहीं कि मैं कौन आ मेरी किन्नी अवस्था रब दे प्यारे यही का अपने को है नहीं गे बीबिया भी बहुत चढ़ती कला वाली बीबिया बैठिया इना क्योंकि अवस्था वाला कोई हों नहीं संगत कई अवस्था बहुत है कि रोम रोम जाप यह आख भी ए ना कहो एल सबरेंटे गुरुद्वारे कोई भगती वाला बंदा नहीं ए ना आख मैनू पता ना किन्ने जने बैठे है किनू किनू दर्शन होए ने महाराज ने कि रोम रोम जाप चलता कि हिरदे च इथे प्रकाश है पर मैं उन्होंने यह मना करदा भी किसी को गल ना करो भरावो मार खा जाओगे हंकार हो जूगा जे बख्शिश हो गई है तो उन्होंने अंदर ही अंदर ही समा के रखियो मत आखियो अपने पंथ में चढ़ती कला वाले सिंह नहीं बैठे बहुत कुछ बैठा नाम जपण वाले बहुत बैठे ने गुप्त रूप में ही है सारा कुछ क्योंकि चित्त है चित्त समाए तो होवे रंग घना यह तो अंदर अंदर ही समाना पैंदा बाहर गल नहीं कढ़ी दी हां जे किसी ने कोई अड़िका पैंदा कोई गल हो गई कोई मेरे को अगला उदों भजदा जदों उहदी अवस्था थले हो जाती माड़ी जी फिर आउंदा आज अवस्था घट गई थले नूं क्यों आ गई वो बस एक ही प्रॉब्लम की होंदी हौमे हो जानी जदों हौमे हो जाती है जां किसी नूं दस बहने उदों अवस्था घट जाती है वह भी शरेआम ही मैं दसदा भी देग बना के भावें एक डालर पाओ भावें पांच पाओ गोलक विच देग बना के गुरु ग्रंथ साहिब तो माफी मंग लिया करो महाराज जी अगे नूं मैं नहीं दसदा किसी नूं मैनूं कृपा करो रंगत बख्शो फिर कलकत्ते आए एक सिंह सी उहनूं यह 1972-73 की गल मैं दसदा थोनू जदों कलकत्ते कहिंदे एक फाटक बंद होया ना एक इधरले पासे सिंह कार च बैठा ट्रांसपोर्टर चंगी अवस्था का मालक वह दूजे पासे दूजा वह भज के आया सिंह स्कूटर ते सी वो कहना गल सुन अगे नो तेरा चेहरा कोई डाउन जहा लगता की गल कहना खत्म हो गया सारा कुछ कहने क्यों कहने हुण हुक्मनामा नहीं सुनता उन्हूं हरिमंदर साहब का हुक्मनामा कलकत्ते सुनता सी रोज वह दस दिंदा हुंदा सी अज आ हुक्मनामा वह कितने बाला ही रौला पै गया शहर च हंकार जहा हो गया तो अवस्था टुट गई वह जिहड़ा अभ्यासी से उन्हूं कहण लग्या ऐ कर देग बना के ना गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे माफी मंग लै ते बेनती कर महाराज हुण नहीं मैं दसदा दसण का भी ढंग हुंदा ना हौमे सहज जदों दसदिया अवस्था तां टुटदी है कहिंदा जदों तेरी अवस्था बन गई तू मैनूं दसी ना ते मैं आपे तेरे चेहरे नूं देख के अंदाजा ला लूं भी हुण खुश है बस कहिंदा जदों मैनूं थोड़े दिन बाद फेर मिलिया उहदा चेहरा लाल दग दग करदा सी बड़ा खुश सी कहिंदे बस ठीक है गूंगे वांगू मुस्करा लिया कहिंदा हुण ना बोली मूंह चों खंड डुल जूगी फिर इस करके अपनी अवस्था नूं संभाल के रख्या करो कोशिश करो वध तो वध मेहनत करन दी जिन्नी ज्यादा बंदगी करोगे उन्नी ज्यादा कृपा होनी है शब्द साचा गुर दिखाया मनमुखी पछताणिया निक्स जाताओ रह अस्थिर जाम सच पछाणिया जो मन बदो बदी बाहर संकल्पां विकल्पां विच जांदा सी ना जाम हुंदा जद मैं सच नूं पछाण लिया तद ओ मन मेरा अचल हो गया उदों दा क्योंकि मन धक्के नाल ही बाहर नूं चले जांदा अपना संकल्पां विकल्पां विच निकल जांदा
साच की मत सदा नौतन शब्द नेहो नवेलो। सच्चे वाहेगुरु की प्राप्ति की सिक्ख्या सदा ही नवीन नहीं नवी हुंदी है, क्योंकि दुनियावी चीजा अपनिया पुरानिया हुंदिया तुरिया जांदिया, पुरानिया हुंदिया तुरिया जांदिया फिर नाश हो जांदिया ने, पर सच्चे वाहेगुरु की प्राप्ति की सिक्ख्या सदा ही नवीन नवी है। शब्द का नेहो जिहड़ा प्रेम भी नवा ही रहिंदा हमेशा, शब्द विच प्रेम करन दा कोई वेला नहीं, हर वेले ही शब्द विच प्रेम पा के रखो, प्राप्ति की कोशिश करो। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट अपने लिए, अपनी जिन्नी संगत बैठी है जां जिथे इत्थे भी कथा सुनदी संगत, कईयां ने बचपन तो लैके इन्नी उम्र तक गुरु ग्रंथ साहिब अगे बड़ी बार अरदासां कीतियां मत्थे टेके होणगे, उन्हां ने बचपन तो लैके मत्था टेकिया, पहली अरदास हुंदी न्याणे दी, आपां मां बाप करदे आं, ये न्याणा जब पढ़न जांदा पहले दिन स्कूल फेर लियाउणे आ, फिर जब पेपर आउंदे ने तां असीं गुरुद्वारे जांदे हुंदे सी महाराज पास हो जाइए देख कराउणी, सही गल मैं उदों न्याणे नूं पास होण तक ही हुंदा, जां मैनूं घर दे साइकल लै देण, मैनूं मोटरसाइकल लैण, ये अरदासां हुंदियां पहलां। ज्यों ज्यों इच्छा वधदी जांदी त्यों त्यों अपणियां अरदासां वड्डियां हुंदियां जांदियां, व्याह शादी हो जाए, हुण बालक हो जाण, नौकरी लग जाइए, पर अफसोस कि आपां कदे नहीं मंगिया कि वाहिगुरु जी सानू अपने दर्शन बख्शो, नामदान बख्शो, सिक्खी बख्शो। बच्चियां लई आपां कदे अरदास नहीं करदे वी इन्हां नूं महाराज सिक्खी दिओ जी, नामदान बख्शो, ये अरदास शामिल करो। भगत धन्ना जी कह रहे, गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत क्रंते तिन के कास वारता, अगे लिस्ट अगली लाई है दाल सीधा मांगो की। आपां दाल सीधा पहले ही रख लेने, महाराज मुहरे कहने नामदान तो चल असी की लैना, सिक्खी तो भी की लैना, तेरे दर्शन तो भी असी की लैना, नहीं जे अज तक तुसी नहीं मंगिया नामदान तो जरूर मंगो, जे अज तक दर्शन नहीं मंगे तो अज जरूर बेनती कर दियो, हे महाराज मैं तो भुले ही रहा, मैं कदे तुहाडे दर्शन ही नहीं मंगे। वह दर्शनों में बड़ी कृपा होंगी, नामदान में बड़ी कृपा होंगी है। नानक नदरी सहज साचा मिलहो सखी सहेली हो, महाराज कथन करदे ने नदरी हुंदा गुरां दी कृपा दृष्टि करके सुभाविक सच्चा वाहिगुरु मिलदा, इस करके प्यारी सखी तू गुरां नाल मिलना कर, गुरु साहब दी कृपा दृष्टि करके सुभाविक ही महाराज मिल जांदे ने। जिन्ना लाभ आपां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शनां दा हुंदा ना, इन्ना लाभ आपां नूं कदे किते भी नहीं हुंदा, क्योंकि सतगुरु का दर्शन जिहड़ा है ना सफल है, सहत फल दे। गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन, एक बार गुरु नानक देव नूं जिवें किसी ने पुछया सी कि महाराज जी आप जी दे दर्शनों का की लाभ हुंदा, संगत कहिंदी दर्शनों का बड़ा लाभ हुंदा, महाराज कहते तेनू मैं की समझावा, तू ए कर जंगल में चलिया जा, अगे जदों फलाना पगडंडी जी देखेगा जाके कहिंदा बहुत वड्डा दरख्त है बोहड़ दा बरोटे दा दरख्त, उहदे थले खड़ के देखी तेन पता लग जू। मुड़े आया वापस कहना महाराज मैनू तो कुछ समझ नहीं लगी, मैं गया था सी। दूजे दिन महाराज कहते चंगा अज जाके आ, कहना जी अज भी नहीं कुछ दिखिया। तीजे दिन कहते अज जाके आ, जदों उत्थे गया उत्थे एक बंदा ते उहदी पत्नी खड़े, उहनू देखदिया सार ही उह दिव्य रूप विच बदल गए, जिवें देवते हुंदे ने प्रकाश रूप च हो गए। उह सिख नूं मत्था टेकण लग पए दोनों जाने, कहने धन है सिखा तेरे दर्शन करके साडा कल्याण हो गया। वह कहने भी मेरे दर्शन करके कल्याण किवें हो गया, कहने तू एक तो गुरु साहब तो पुछया सी भी तुहाडे दर्शनों का की लाभ है, जब तू गुरु नानक साहब के दर्शन करके कल परसों इत्थे आया सी, असी टाणी ते बैठे सी कां ते कौणी दे रूप विच, असी तैनू देखदिया सारी बगला ते बगली बन गए सी, चिट्टे हो गए सी, जब तू दूजे दिन आया असी तेरे दर्शन करके हंस ते हंसनी बने सी, अज जब तू आया तेनू देख के असी बंदा ते इस्त्री दे रूप च हो गए हैं, ते हुण असी सीधे जा रहे हैं सचखंड नूं तेरे दर्शन करके। तेरे दर्शनां च इन्नी पावर है कि तू गुरु नानक साहब दे दर्शन करके आया। पहला हुंदा सी जदों कोई हजूर साहब दर्शन करके आउंदा सी, लोक उहनूं मिलन आउंदे सी पिंडां च शहरां च, असी आप बड़े खुश हुंदे सी, क्यों भी हजूर साहब जाके आया। जिवें मुसलमाना विच कोई मक्के जाके आवे उहनूं हाजी कहिंदे ने, जदों कोई मक्के जाके आउंदा उहदा सत्कार बहुत करदे उहनूं हाजी कहण लग पैंदे ने, हजूर साहब जे कोई जाके आवे उहनूं हजूरिया कहण लग पैंदे ने। असी आप जदों हजूर साहब गए एक बार महापुरखां कोल आके मिले, मैं प्रसाद लिया के दिता,
उस वक्त महापुरख जोड़ा ला के फटाफट खड़े होके मंजे तो थले बैठ के कहने हजूर साहब का प्रसाद लिया थले ना डिगण दी ध्यान दई मेनू प्रसाद। जदों भी कोई सिख पंजाब जांदा पटना साहब हजूर साहब आनंदपुर साहब हरिमंदर साहब होके आउंदा उहनू जरूर मिलिया करो और गुरसिखा तू धन है तेरे दर्शन करके साडा भी भला हो जाना। उहदा भी गाहां फल मिलदा दर्शनां दा भी दर्शन अगे फल मिलदा। इसे करके सतगुरु कहिंदे मोको कीजै दास दास दासन कहो हर दया धार जगन्नाथा। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸਹਿਜ ਸਾਚਾ ਮਿਲੋ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਓ ਮੇਰੀ ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਜੀਓ ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਅੰਤਕਰਨ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਨਣੀ ਚਾਨਣ। ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਟਿਊਬਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਟ ਤੋਂ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਔਖਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਟਿਮਕਾ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਚ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਲੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਆਓ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੂੰ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ। ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 99% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਿਕਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਰਸਤੇ ਚ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ। ਜਦ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਗਰ ਦੇਖਿਆ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਜੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੋੜਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਲੇਤ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 12 ਸੀੜੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਰਾਬਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਛਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ
गुरु ग्रंथ साहब की कोई पंक्ति दसो भी झूठी आ। सारा कुछ जो लिखिया सच्चा ही सच्चा लिखिया। सतगुरु अपने थां ते डटे खड़े ने, आपां हिलगे आ। महाराज अज भी सारे बचन पगाउंदे ने अपने, जो गुरु ग्रंथ साहब लिखिया महाराज अज भी पगाउंदे आ। सच्चे पातशाह आप कृपा कर दे अपने ते। जे तुसी कहो भी आपां आप ही तुरे जाने, आपां कुछ भी नहीं हैगे। दसवें पातशाह वेले जद सिंह जित के आनंदपुर साहब पहला जंग ते सिंह आके आसना ते पता की फिर बहुत बड़िया बड़िया डींगा मारन लग पे। आपां सारी दुनिया जित लांगे, आपां हुण ऐ कर देंगे ओ कर देंगे, ज्यों लगे करन। महाराज सच्चे पातशाह नूं बहुत दुख होया, क्योंकि महाराज नूं हंकार नहीं चंगा लगता। अपने अंदर नुक्स की आ हुण, हुण पता की नुक्स अपने सारिआं च, सारे पंथ च की वड़ गया, हंकार आ गया अपने च। आपां नूं इन्ना हंकार आ सारिआं नूं, रब ही जाणे। महाराज बहुत इस गल ते दुखी, कहिंदे इन्हां नूं हंकार पता नहीं कहदा। कहिंदे साडे टाइम ते सिंघ इन्ने ना पाठ करदे, इन्नी सेवा करनी रात दिन, जरा होमे नहीं सी करदे। कहिंदे इह तां खानी माड़ी जी सेवा करके इन्नी होमे करदे ने, बहुत ज्यादा, इह खानी कहे जे सिख आ गए। महाराज इस गल्लों नाराज भी ने अपने नाल। सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने जिहड़ी होमे ना, आपां ने होमे दा त्याग करना। जद अपने च होमे आ जांदी तां सारा ही कम अपना खराब हो जांदा। इस करके सतगुरु महाराज कहने मिल वर नारी मंगल गाया। परमेश्वर पति वालियां जो पति वरता महात्मा रूप स्त्रियां ने, उन्हां नाल मिलके परमेश्वर दे मंगलदायक गीत नूं गाया। गुण गाए मंगल प्रेम रहस्य मुंद मन ओ माहौ। मंगल रूप गुणा नूं गा के वाहिगुरु दे प्रेम विच रहस्य हुंदी स्थिति होई आ साडी, आनंद होई आ, अते मैं मुंद दे मन विच उत्साह होया। साजन रहंसे दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो। शुभ गुणा रूपी सज्जन रहंसे भाव आनंद होए ने। ए रहंसे अखर जेड़ा पहला रहस्य अखर आया सी, ओदा ही वाचक इत्थे उत्ते टिप्पी लाती महाराज ने। कोई काव रचना विच कोई कमी नूं पूरे करन लई अखर वध घट कीता जांदा, इह ते रहंसे दी लोड़ होणी है। साजन रहस्य भी लिख सकदे सी, साजन रहंसे दुष्ट व्यापे। जेड़े शुभ गुणा रूपी सज्जन से आनंद होए, तो दुष्ट जेड़े काम क्रोध हंकार से इन्हां नूं विपता पै गई। हुण साच जप सच लाहाओ, सच नाम जपण करके सच्चा लाभ प्राप्त होया। कर जोड़ सा धन करै बिनंती, रैण दिन रस पिन्निया। जिहदे अगे मैं इस्त्री हथ जोड़ के बेनतियां करदी सी, हे वाहिगुरु दर्शन दिओ, हे वाहिगुरु मिलो, वाहिगुरु कृपा करो, कहने हुण रात दिन मैं उहदे प्रेम विच आनंद विच भिज गई आ। उह नहीं जांदा किते, मेरे कोल ही आ, प्रकाश रूप विच हो के मेरे नाल ही है, मेरे हिरदे विच है, उह मैनूं व्यापक नजर आउण लग पिया है। असल इह मिलाप हुंदा परमात्मा दा। जे किते इह मिलाप हो जाए फिर विछोड़ा नहीं हुंदा कदे। नानक पिर धन करहि रलियां, इच्छ मेरी पुन्निया। सतगुरु गुरु नानक साहब कथन करदे ने, उत्तम सखी कहिंदी है कि मैं धन तो भाव धन हुंदी इस्त्री, मैं इस्त्री पति परमात्मा नाल मिलके खुशियां करदी हां, क्योंकि उहदी प्राप्ति होण करके मेरी इच्छा पुन्निया तो भाव पूरी होगी। सगल इच्छ मेरी पुन्निया, मिलिया निरंजन राय जीओ गुरु नानक, मिलिया पार ब्रह्म तेरे चरणा कौ बलिहारा। मेरी तमन्ना मेरी इच्छा अज पूरी होगी, मैनूं परमात्मा मिल पे ने, मेरे हिरदे च प्रकाशमान हो गए ने। जब हम होते तब तू नाहीं, अब तू ही मैं नाहीं दी अवस्था विच आ गए हां। सवारा सच्चे पातशाह ने यह जिहड़ियां बख्शिशां अपने ते कीतियां, जिहड़ी जाज आपां नूं थोड़ा बहुत हुण सारिआं नूं इस गल दा अहसास होया कि प्रचार दी लोड़ है, होर लोड़ है। सो जिहड़ियां बेनतियां आप जी नूं कीतियां ने उहदे हिसाब नाल, जां फिर मैं अपने तौर ते भी उद्यम करूंगा बहुत ज्यादा, सारे संतां महात्मा नाल संपर्क करके। अपने यह हुंदा पंजाब दे विच मेरे घर आप बहुत सैट पए रहिंदे सीढ़ियां दे, होर लखां रुपए दे सैट बंडे होने अज तक। आ जिन्नी माया तुसी दे दिंदे हो घरदिआं नूं, जिन्नी लोड़ उहनां नूं कहिड़ी इन्नी लोड़ हुंदी, फिर जिन्नी लोड़ उहनां रोटी खा लैंदे अपनी, बाकी सीढ़ियां लिया के रख रही। मैं एक बार एक बंदे नूं कहिंदा आ सीढ़ियां सैट आ इह 300 दा, ते तू DVD प्लेयर लै ली। उह जे इधर फरोले कदे इधर 100 दा नोट निकलिया, ओ जी खर्चा जी तुसी विचों CD कढ के दे दो मैनू एक। मैं सोचिया भी इदा तां प्रचार नहीं होना, मैं कहा 100 रुपया तां जेब च आ चक सैट, आ चक DVD प्लेयर, जा घरे सुन तां लेंगा। कहिंदा इह तां कम कर लूंगा। सो कहण तों भाव है कि फिर शुरू इदां ही कीता हुण कम, जिथे भी वंडिया ना
सुनने वाला बंदा सानू मिल जाए चंगा, चलो अज नहीं सुनू, कल नहीं सुनू, परसों साल नू सुन लू। पर आप कोशिश यह करनी है कि संतां महात्मा दे राही जिन्ने कुण महापुरख बाबा हरनाम सिंह जी नाल कट्ठे होए ने, 40 संत महात्मा कट्ठे होए ने उन्हां नाल, तो असीं कोशिश करांगे उन्हां नू हजार हजार सीडी सैट दे दांगे बस, जां जिन्ना कहणगे लख लख भी बंड देंगे आपां, 2 लख भी बंड देंगे। कोशिश करांगे जे तां कोई इत्थों भी संगत कर दूगी कृपा ठीक आ, नहीं तो आप की करांगे सारयां नू इह कथा जिहड़ी सुनाउणी आ और सारयां नू दसणा भी अपने कोले गुरु ग्रंथ साहिब रूप बहुत वड्डा खजाना पिया, जिहड़े नकली गुरुआं वल गए ने कसूर उन्हां दा वी नहीं, उह सुण लो क्यों उन्हां नू कदे किसी ने दस्या ही नहीं भी अपने घर विच इन्ना कुछ पिया। अपने घर च तां है बहुत कुछ पर किसी ने कदे नहीं दस्या कि अपने कोल है। एक चीज हुंदी अपने घरे जे चीज ना होवे तां लोक गुआंढियां दे जाणगे फिर। इस करके आपां सिखी दा प्रचार करके दसीए संसार नूं भी गुरु ग्रंथ साहिब दा खजाना, दसां सरूपां दे जीवन दा खजाना जिहड़ा, और लोग जो सुनते ना गुरु नानक साहब की कथा, मेरे को ऐसे ऐसे परिवार आए ने वह कहें भी असी कदे कथा नहीं सुनी, जब प्रहलाद जी का ध्रुव का प्रसंग सुनाया ना तो एक हिंदू परिवार आया मेरे को इत्थे, वह कहन लगे असी सारी जिंदगी प्रहलाद ध्रुव का नाम तो सुनिया माड़ा जा, पर जिन्नी तुसी विस्तार नाल कथा सुनाई है साड़ी भी बहुत श्रद्धा वधी है भी परमात्मा के नाम च कितनी ताकत है। तो इस करके कोई जरूरी नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह सारयां दे सांझे ने, चाहे किसी धर्म का कोई कौम का कोई भी बंदा आके, गुरु ग्रंथ साहिब एक नरोल ज्ञान है, जिवें दुध है, दुध नूं हर बंदा पींदा, ये तो नहीं कहना मैं सिख है मैं दुध नहीं पीना, यह तो हिंदू पींदा। कणक की रोटी हर बंदा खांदा, घ्यो हर बंदा खांदा, बदाम ड्राई फ्रूट हर बंदे नूं चंगे लगदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब समुचा एक ज्ञान का खजाना जिहदी हर मनुख नूं लोड़ है, और हर मनुख गुरु ग्रंथ साहिब की कथा सुन के तरेगा ही तरेगा, जिहड़ा मर्जी सुन लवे। इस करके आ जिहड़ी कथा आप रिकॉर्ड करते हैं इहनूं मैनूं पता किन्ने लोग सुणदे ने, और पटियाले एक बंदा आया सी मेरे कोल इन्हां दा जिन्ना रौला जिहा पिया, कहिंदा 15 साल ज्ञानी जी झखा ही मारदे फिरदे रहे, विरक सी वकील एक उहदी पत्नी दोनों जाने आए, अजकल आस्ट्रेलिया च रहिंदे ने, उह कहिंदे जी जिद्दण असीं आ के बैठे हां उदों बाद असीं नकली गुरु कोल गए नहीं, और अमर छक के गुरु वाले बन के तैयार प्रत्यार सारा टब्बर होया। जब तक असीं गुरु ग्रंथ साहिब बारे प्रचार नहीं करदे संसार दे अंदर, साडे सिखां नूं नहीं पता, वह हैरानगी की गल है साडे सिखां नूं नहीं पता, तुसीं दूजे धर्म वालों की प्रचार करना, इहदा आपदे धर्म तां आपां प्रचार नहीं कर सके। जदों तक आपां अपने परिवारां दा ध्यान नहीं दिंदे, जिन्नी तुसीं मेहनत करदे हो इत्थे आ करके, मैं अमरीका जाना कनेडा जी सदके जाओ, बाहरले देशां घूमो, साडे वालों भावें चंद ते जाओ, जिथे मर्जी घूमे सिख, पर सिख सिखी तां ना छड्डे, सिख घूमे जिथे मर्जी। इस करके सिखी विच परपक्ता अपने परिवारां समेत करो जे बचना, और परिवारां दे नाल नाल पंजाब दे विच वध तों वध ध्यान दिओ सिखी वल। एक पंजाब विच इह मेहरबानी करिआ करो, मैनूं कई कहिंदे उहदे पंजाब जाके प्रचार करो, इत्थे तुसीं आ गए हो, मैं सुणो मेरी गल, तुसीं जद इत्थों भावें मोर गए ते पैसे जाके जाने हो, उत्थे जाके इन्ना इन्ना सोना पा पा के कन्न च कई मुंदरां पा पा के दिखाउणे ने, जद तुसीं उत्थे उत्थे लोक पट्टे जांदे आ भाई पता नहीं अमरीका वालिआं कोल की आ, कनेडा वालिआं कोल की आ, इह असलीयत गल आ। पंजाब वालिआं ने भाई तुसीं कित्थों बिगड़े, कहिंदे बाहरों जिहड़ा आउंदा क्लीन शेव होए ही आउंदा हुंदा, बहुत सारे लोग ऐसे आउंदे ने, बहुत पैसा इन्ना कोल, बड़ा पैसा इन्ना, उह वी इधर नूं आउण दा फिर दाइया चुक लैंदे ने, आप पहलां ही केस कटा लैंदे, पहलां ही कन्नां च मुंदरां पा लैंदे, पता नहीं इत्थे आ के की रांझे बनना उन्हां ने। सो इस करके बेनती है सारिआं नूं, पंजाब दे जाके सिखी दी ओही गल करिआ करो, दूजी गल ही ना करिआ करो। लोग कहण इह कहण भी अमरीका तो बंदा आया सी बड़ा पक्का सिखी च बई, इह उहनां ते तां चंगा असर पैणा। जदों इत्थों बंदा जांदा ना उत्थे जाके, मैं इंग्लैंड दे बंदे देखे सी, वो ब्याह ते किते आए, दाड़ियां होर ही तूतरियां जिहियां छड्डियां होईयां, पता नहीं की होर ही मुसलमान जे बने होए सीगे, उह उहनां नूं देख के पिंडां दे मुंडे बिगड़ जांदे ने फिर, इन्ना सोहना पा मुंदरा पा, लोग टपदे फिरदे ने भी असीं पता नहीं की बन गए आ, कसूर साडा सारयां दे मिल के ही आपस विच। सो जदों तुसीं कोई गल कहिंदे हो, मैं चंगी तरह वाचदा उहनूं भी, इह नुक्स कित्थे पैंदा। इस करके आपां पहलां इत्थे सिखी नूं भी कायम करना, पंजाब दे विच भी कायम करना,
और सारयां नूं सिख बना के गुरु वाले बना के लड़ ला के फिर उन्होंने तारना सारयां नूं सतगुरु की सिक्खी नूं बचा के रखना तो नाम जपना सब तो वध जरूरी है अपने लिए। पंथ की चढ़ती कला लई रात भी बेनती की, रात असी संगत ने मिलकर तीन चौपी साहब के पाठ पंथ की चढ़ती कला लई कीते सीगे। और तुसी भी रोज देखो चौपी साहब का एक पाठ नितनेम दे विच करिया करो। पहला बेनती की पंथ की चढ़ती कला लई पांच चौपी साहब के पाठ करो, सवा सवा लख मूल मंत्र ताइयों लाया। जे इना इना धरती ते पाठ हो जा इना चौपी साहब के पाठ होणगे आपे चढ़ती कला हो जानी आ। दसवें पातशाह ने हेमकुंड साहब चार युग तपस्या की, गुरु नानक साहब ने 36 युग लाते। तपस्या नाल ही सारा कुछ बनता हुंदा। जे तुसी कहो गली गुली सिखी नहीं मिलनी आपां नूं, भगती विच ही शक्ति आ। जिन्नी ज्यादा भगती करोगे उन्नी ज्यादा तुहाडे ते कृपा होनी आ। इस करके बेनती है कि जिन्हां दसवंध इकट्ठा करदे उहनां अखंड पाठ पंथ की चढ़ती कला लाओ कराओ बई। यह नहीं कि अपने टब्बर लई पाठ करा लिया बस बहुत है। जब तक आप सारी सिख कौम पंथ की चढ़ती कला नहीं सोचांगे, अपनी तो आप सोचते हैं मेरा घर चढ़ती कला च हो जाए, पर नहीं, मेरा घर की है सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सभा करतारा। आ जिनी अपनी कौम है यह सारा अपना घर है, हर सिख अपना भरा है, गुरु ग्रंथ साहब अपने सतगुरु ने। इस करके आप सारिया ने मिलकर प्रचार लई सोचना, पंथ की चढ़ती कला लई सारिया ने सोचना मिल बैठ के, और पंथ की चढ़ती कला लई वध तो वध अखंड पाठ साहब कराओ, सहज पाठ कराओ, चौपी साहब के पाठ करो, बेनतियां करो। गुरु नानक साहब ने की कीता सी, शब्द जीती सिद्ध मंडली, उस शब्द नाल ही सारी दुनिया जीत ली, मन जीता जग जीत। अज आपां नूं कमी की है, भगती की कमी है सारिया विच। इस करके आप सवा सवा लख मूल मंत्र सारे परिवारां नूं लाया, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा। कईयां तां सवा सवा लख कर भी लिया, कहिंदे हुण की करी, मैं होर कर लो गा, इह कहिड़ा नुकसान वाली चीज है। इस करके बेनती है सारी संगत नूं, जिन्ना भी अभ्यास हो सके मूल मंत्र दा, चौपी साहब दे पाठ हो सकण, और वध तों वध सीढ़ियां पंजाब दे विच वंड सको। जदों आप जाओ आप वंड के आओ, आप ला के आओ। गुरुद्वारा साहब की कंध किते भी नहीं होनी चाहिए, उदों ईटां दिख रही। गुरुद्वारा साहब विच तुहाडे पिंड दे गुरुद्वारे च कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि यह ना कहण अगले भी वह फलाने थां तां उन्हां दा बड़ा सोहना बनिया, साडा तां कुछ भी नहीं हैगा। हर गुरु घर चढ़दी कला च होण, हर थां दे उत्ते आपां चढ़दी कला च प्रचार करना। जे आप प्रचार नहीं आउंदा, सीढ़ियां दे राहीं प्रचार करिए, सतगुरु चढ़दी कला करन। आओ पंथ की चढ़दी कला लई सारे मिल के सिमन करिए। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे। वाहे गुरु, वाहे गुरु। 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 वाहे गुरु।